गौतम साहब मेहनत करते ये वार्ड आप चुनाव ओवरऑल पूरे जो मेयर की सीट के लिए चुनाव जो बहुत मेहनत। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की किसानों को लेकर एक बार फिर जुबान फिसली है। इस बार कटारिया ने किसानों को पागल झूठे तक की संज्ञा दे दी, हालांकि बाद में सफाई भी देने लगे। कटारिया पंचकुला के सेक्टर 6 में भाजपा के मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कटारिया ने किसान आंदोलन पर कहा कि भारत सरकार ने कृषि संगठनों के समक्ष 7 प्रस्ताव रखे हैं, जिस पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि संगठनों के समक्ष 7 प्रस्ताव रखे हैं, सरकार पे उनके ऊपर वार्ता करने के लिए तैयार है, और अगर लगेगा कि कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो तीनों कानूनों के अंदर क्लास बाई क्लास विचार करके परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन जो पूरा रिपील ऑफ दी लॉज की बात कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार शायद किसी कीमत पर मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो बिल बने हैं ये किसानों के हक में हैं, ये किसानों की आमदनी को दुगना करने वाले हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ने वाले हैं, और किसान हमारा अन्नदाता रहा है, वो हमारा भगवान है, हमारा किसानों से किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट जो इसके बीच में घुस आए हैं, जिनका कृषि से कोई संबंध नहीं है, जो वहाँ पर आतंकवादियों को छुड़वाने की बातें करते हैं, खालिस्तान के नारे लगवाने की बात करते हैं, वो किसी भी कीमत के ऊपर किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और अभी नरेंद्र तोमर जी ने एक चिट्ठी भी सभी किसान संगठनों को लिखी है और किसानों को लिखी है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप नरेंद्र तोमर जी की बातों के ऊपर गौर करें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, हम 24 घंटे आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि समस्या का हल बातचीत से निकलेगा। डेमोक्रेसी के अंदर प्रदर्शन करने का सबको हक है, लेकिन वो प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए। इस दौरान किसानों पर वाटर कैनन का प्रयोग करने के सवाल पर कटारिया ने किसानों को लेकर एक बार फिर विवादित बोल दिए, हालांकि बाद में तुरंत ही सफाई भी दे दी। अपने अलग किस्म का विषय है, उसको बरकरार रखना तो भी सरकार का दायित्व है। मान लिया अगर एक झोटा है और वो पागल हो गया और वो अपने सींग मेरे पेट में घुसेड़ने की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो पग उठाऊंगा, मुझे तो भी अपनी जान बचानी है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आतंकवादी उस सारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है, किसान नहीं है, मैं कह चुका हूँ बार बार, कभी इसको मिस इंटरप्रेट करें जी, किसान हमारा देवता है, किसान हमारा भगवान है, किसान ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है, उसके साथ तो झगड़ा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। कटारिया ने इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। जिस दिन ये बिल पास हुए थे ना, हमने चिंगाड़ा मार मार के कहा सोनिया जी अंदर आ जा, राहुल जी अंदर आ जाओ, बहस करो इन कानूनों के ऊपर, लेकिन अमरीका चले गए। और जिस दिन वो बिल पास हो गया, फिर अगले दिन आके बैठ गए वहाँ जो है ट्रैक्टर पे पंजाब में, क्या तू कह। ये केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया पंचकुला पहुंचे तो मेयर उम्मीदवार के प्रचार के लिए थे, लेकिन एक बार फिर किसानों को लेकर उनकी जुबान फिसल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी टीवी, चंडीगढ़।